दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्दी खांसी का एक रामबाण इलाज। दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कमेंट आए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो आरएमपी डॉक्टर बोल सकते हैं अब जिनको जो रजिस्टर्ड आरएमपी डॉक्टर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत से हमें कमेंट किए हैं कि भाई हमें एक ऐसा फार्मूला बताया जाए जो सर्दी खांसी के लिए बेस्ट हो, जो कम पैसे में दोस्तों हम अपने पेशेंट को बिल्कुल जड़ से ठीक कर पाएँ। तो दोस्तों जो लोग प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक चला रहे हैं तो उनके लिए एक फार्मूला ये एक रामबाण होने वाला है। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं तीन दवाई के बारे में जिसकी मदद से दोस्तों आप अपनी सर्दी खांसी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप का नाम है बिटासन, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिटामिथासोन। आप मैं इसके कंटेंट के बारे में बात करूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए इसका मॉलिक्यूल होता है बिटामिथासोन सोडियम, और साथ में दूसरा है मेरे पास रिस्टेक्लिन, यहाँ पर 250 mg है जिसमें होता है दोस्तों टेट्रासाइक्लिन 250 mg। तीसरा है दोस्तों मेरे पास एक यहाँ पर देखें कोल्ड रेस्ट टोटल जो कि दानिश फार्मा की है, और इसका मॉलिक्यूल होने वाला है पेरास्टामोल फ्लाइनेफ्रिन और सिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो इसमें तीन तरह के मॉलिक्यूल हैं और इसके यहाँ पर मिलीग्राम भी आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके बिना टाइम वेस्ट करें इसके बेनिफिट के बारे में। तो कैसे दोस्तों आप तीन दवाओं से अपनी सर्दी खांसी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बेनिफिट निकल के आते हैं गाइज। अगर आपको बहुत दिनों से सर्दी खांसी है और आपकी ठीक नहीं हो रही, आपने बहुत से एंटीबायोटिक या फिर टैबलेट बदल लिए हैं, बट दोस्तों आपका जो कोल्ड है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो उन कंडीशन में आप अपने पेशेंट को ये दवाएं इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसके बेनिफिट देखे गए हैं किसी प्रकार का भी बैक्टीरियल संक्रमण होता है या फिर दोस्तों आपको अगर आपको बहुत लगातार जुकाम के साथ साथ खांसी आ रही है उसके साथ फीवर भी आ रहा है तो उन कंडीशन में भी इस टैबलेट को चलाया जाता है। तीसरा अगर हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करें, अगर जिन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, छाती में से सांस की आवाज़ आती है, चेस्ट में से बहुत तेज़ आवाज़ आती है हांफने की, या फिर कान का संक्रमण हो जाता है या फिर निमोनिया, इस प्रकार की समस्या होती है, तो उन कंडीशन में भी आप इन तीन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दवाइयाँ आप रूटीन में भी डेली रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आरएमपी डॉक्टर हैं वो भी इस प्रोडक्ट को चला सकते हैं अपने पेशेंट के लिए, तो बहुत ही अच्छा उन कंडीशन में इसका रिज़ल्ट देखा गया है। ऑल ओवर अगर आपको किसी प्रकार का भी एलर्जिक कोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा छींके आती है, रनिंग नोज़ हो रहा है, या फिर ब्रोंकाइटिस या खांसी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको हल्की खांसी आ रही है साथ में, तो उस प्रकार की नॉर्मल खांसी या फिर नॉर्मल फीवर साथ में कोल्ड के आ रहा है, तो उन कंडीशन में अगर आप तीन दवाइयों को चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है इन प्रोडक्ट का। तो दोस्तों ये था इस प्रोडक्ट का बेनिफिट, मैंने बताया। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे तो साइड इफ़ेक्ट ऐसे कुछ नहीं देखे गए हैं, अगर होंगे तो आपकी हल्की आपको निद्रा आ सकती है या फिर आपका पेट ख़राब या फिर वॉमिटिंग वगैरह इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं। तो डोजेस क्या होने वाले हैं, आप 5 दिन इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम तीनों में से एक एक गोली लेंगे तो आपकी कोल्ड की समस्या, अगर आपको गले में गाइस टॉन्सल भी है तो वो भी ठीक होने वाले हैं। अगर बहुत दिनों से टॉन्सल भी कोल्ड के साथ हो रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है हल्का, तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा इन दवाइयों का रिजल्ट दिखने वाला है। उससे पहले हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये वीडियो आपके नॉलेजेबल के लिए होने वाली है, आपके नॉलेज के लिए है, पर दवाई को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से किसी भी दवाई इंजेक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शो करिएगा। धन्यवाद।